सो गाइस अभी जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CCNA 200-301 की कंप्लीट इनडेप्थ सीरीज। जैसे ही हम पेड कोर्सेज के अंदर स्टडी करते हैं वैसा ही नॉलेज मैं आपको यहां पे दूंगा इस चैनल के ऊपर में। सो यहां पर आपको सपोर्ट करना है। अगर आप लोग जो है पूरा डिटेल के अंदर स्टडी करना चाहते हैं CCNA नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को, बिकॉज नेटवर्किंग इज द बैकबोन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन, नॉट ओनली द बिजनेस, राइट। सो इसीलिए जो है आपको पूरा डिटेल में सीखना है। आज हम सीखने वाले हैं काफी अमेजिंग चीजें कि ये मैन क्या होता है, कैन क्या होता है, लैन क्या होता है, सैन क्या होता है और वैन क्या होता है। ये पूरा जो है डिटेल के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए जो है मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पे चल के देखते हैं कि क्या है ये सब चीजें और कैसे काम करती हैं। सो बेसिकली गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो चलिए यार, आज जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेटवर्किंग है क्या, व्हाई यू शुड लर्न CCNA 200-301 व्हिच इज द लेटेस्ट सिलेबस, राइट। CCNA स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग आज की डेट में सिर्फ बिजनेस का बैकबोन नहीं है, हम सभी का इंडिविजुअली बैकबोन बन चुका है। बिकॉज अगर आपके मोबाइल के अंदर सिग्नल किसी दिन नहीं आ रहे तो आपका मोबाइल आपके लिए क्या बन जाता है, डब्बा बन जाता है। तो यानी कि आज की डेट में हमारी जो लाइफ है वो बिना नेटवर्किंग के नहीं चल सकती। तो नेटवर्किंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मींस टू कनेक्ट टू और मोर डिवाइसेस एक साथ। ऐसा कोई भी कनेक्टिविटी हो सकती है, वायर्ड के जरिए हो सकती है, वायरलेस के जरिए हो सकती है, जिसमें डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो है हम कनेक्टिविटी बनाते हैं। वो एक छोटा सा नेटवर्क हो सकता है, वो बहुत बड़े लेवल का हो सकता है, वर्ल्ड लेवल का हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द नेटवर्किंग। चलिए अभी इसको जो है डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या और इसमें कितने टाइप की कैटेगरीज जो है वो डिफाइन करी गई है हमारे इस पूरे नेटवर्किंग को। अलग अलग कैटेगराइज जो किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है, चलिए जरा पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे जो कि बहुत ही पॉपुलर है, विच इज कॉल्ड लैन। आई एम श्योर आप लोगों ने लैन के बारे में सुना होगा। लैन का फुल फॉर्म होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। सो लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। लोकल एरिया नेटवर्क कब और कहां पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसको जरा डिस्कस करते हैं। से फॉर एग्जांपल, आपके पास में जो है ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास में एक कंपनी है, राइट। ये कंपनी है, इसका एक सिंगल फ्लोर हो सकता है, एक सिंगल आपका जो है कैंपस हो सकता है। इसके अंदर इंप्लीमेंट किया गया, उसमें एक स्विच हो सकता है, उसमें मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं और इनके साथ में आपने कंप्यूटर कनेक्ट करे हैं, तो ये जो नेटवर्क है ये कहलाता है आपका नेट लैन, जो कि आपके किसी भी कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सिंगल हब है, जहां पर आप जो है पूरा काम करते हैं, पूरा आपस में विद इन दी कंपनी जो है आपस में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो नेटवर्क इंप्लीमेंट करा जाता है उसको हम लोग यहाँ पे लैन कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पे मैन। वाओ, मैन, राइट। मैन क्या है? सो मैन को समझने के लिए लेट से हमारे पास में यहां पे मैन, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। बहुत बड़ा है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप लोग लिख लेना, पढ़ लेना, जो भी करना कर लेना यार, कोई बात नहीं, अपन इसका पूरा मतलब समझते हैं। सो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो बेसिकली ये कहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है, तो मान लीजिए ये आपकी एक सिटी है, ये आपकी सिटी है, से फॉर एग्जांपल जोधपुर है ये आपकी सिटी, राइट। इस जोधपुर सिटी के अंदर जो है आपके पास में जितना भी बड़ा नेटवर्क इंप्लीमेंट किया गया है, चाहे वो आपके ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जो कि आई एम श्योर आप लोग अवेयर होंगे हर जगह पे आज की डेट में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है, तो वो भी पूरा सीसीटीवी कैमरा, ऐसा तो है नहीं कि हर जहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगे वहीं पर कोई ना कोई बैठ के मॉनिटर कर रहा है, नहीं, वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है हर सिटी के अंदर, वहीं से पूरे सिटी के जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनको जो है मॉनिटर किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है। तो ये जो है आपका सिटी लेवल पे डिजाइन किया गया नेटवर्क, जो कि काफी बड़ा नेटवर्क होता है, या फिर नगर निगम के द्वारा, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, या किसी भी कंपनी के द्वारा, या फिर आपका कोई लोकल आईएसपी है, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनके साथ में जो भी आपका नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन होता है सिटी लेवल पे, वो आता है आपका मैन के अंदर, विच इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट।
इसके बाद में हमारे पास एक और नेटवर्क आता है जिसको हम लोग कहते हैं वैन, राइट। वैन कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? अक्रॉस द ग्लोब, या फिर आप इसको कह लो इंटरनेट, इंटरनेट कह सकते हैं हम इसको, बिकॉज इट इज अ इंटरनेट। अब इंटरनेट जो है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिजाइन किया गया। अब वर्ल्ड लेवल पे ऐसा तो है नहीं कोई एक सिंगल आईएसपी ने ही पूरा कम्युनिकेशन करके रखा, नहीं, यहां पर मल्टीपल कंपनीज ने आपस में नेटवर्क्स को इस तरह से इंटीग्रेट किया हुआ है जिसके चलते आप कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी कोने से किसी दूसरे कोने में भी अगर डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं और आपके पास में उस नेटवर्क का एक्सेस है तो आप डेफिनेटली जो है कहीं पर भी वर्ल्ड के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पर भी कोई वीडियो, इमेज, मैसेज, टेक्स्ट वो हो या किसी भी फॉर्मेट का हो तो आप सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो वर्ल्ड लेवल पे डिजाइन किया गया नेटवर्क है इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? वैन कहते हैं। अब ये हमारे पास में तीन ऐसी मेजर कैटेगरीज है जो हम करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और कैटेगरीज हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे पैन की, राइट, पी ए एन, पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और आई एम श्योर हर इंसान आज की डेट में जिसके पास में स्मार्टफोन अवेलेबल है वो अपने आप को एक नेटवर्क इंजीनियर कह सकता है, बड़े लेवल का नहीं बट एक छोटा सा नेटवर्क इंजीनियर तो डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है बहुत आसानी से वायर्ड के जरिए या वायरलेस के जरिए हम लोग जो है आपस में अपने मोबाइल को, मोबाइल के अंदर इंटरनेट है उसका इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए लैपटॉप के साथ में कनेक्टिविटी कर लेते हैं, तो ये भी आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। या फिर जो है हम अपने मोबाइल को अपने स्मार्ट टीवी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ये भी आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। तो इस तरह का जो पूरा काम होता है दैट इज कॉल्ड द पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर इसके बाद में आता है आपका कैन, है ना, कैन होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क जब भी आप बात करेंगे तो कैंपस एरिया नेटवर्क कब कहलाएगा ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, बिकॉज यहां पे बहुत लोग जो है कैन को लैन बोलने लग जाते हैं। लैन कब होगा और कैन कब होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा कॉलेज है, राइट, एक बहुत बड़ा कॉलेज है ये, और इस कॉलेज के अंदर देयर आर मल्टीपल बिल्डिंग्स, ये आपकी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, राइट, वो एक बिल्डिंग या दो बिल्डिंग या चार बिल्डिंग या दस बिल्डिंग जितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब ऐसे मल्टीपल जो बिल्डिंग्स हैं इन बिल्डिंग के अंदर हर बिल्डिंग, मान लीजिए ये ए बिल्डिंग है, ये है बी बिल्डिंग, सी और यह डी और यह है आपकी ई बिल्डिंग। अब इन सभी बिल्डिंग के विद इन दी बिल्डिंग जो नेटवर्क चल रहा है दैट इज नोन एज योर लोकल एरिया नेटवर्क। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, अगर आपका कोई ऐसा नेटवर्क है जो विद इन दी बिल्डिंग आपने इंप्लीमेंट किया है वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लेकिन जब एक बिल्डिंग का नेटवर्क हम किसी दूसरी बिल्डिंग के नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करते हैं और उनका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो वो बन जाता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। ये आपका सोसाइटीज में हो सकता है, ये आपका जो है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, ये आपकी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है, तो ये जो है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कैंपस एरिया नेटवर्क आप इंप्लीमेंट कर रहे हो या आप लैन कर रहे हो तो यू शुड हैव अ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर नॉलेज अबाउट लैन एंड द कैंपस एरिया नेटवर्क विच इज कैन। इसके बाद में हमारे पास एक और आता है नेटवर्क कैटेगरी विच इज कॉल्ड सैन। वॉट इज सैन? सैन स्टैंड्स फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। कोई भी डेटा सेंटर्स है, अब डेटा सेंटर्स के विद इन दी डिवाइसेस को, क्योंकि डेटा सेंटर्स के अंदर देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, बहुत सारे आपके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, नेस होते हैं जिसको हम लोग नेटवर्क अटैच स्टोरेज बोलते हैं, तो इस तरह के जो है काफी बड़े लेवल के जो आगे हम लोग कवर करेंगे उसको डिटेल के अंदर, इनको आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया
वो जो नेटवर्क इंप्लीमेंट किया जाता है डेटा को मैनेज करके रखने के लिए आपस में पूरा उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज SAN विच इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये आपका डेटा सेंटर्स के अंदर इंप्लीमेंट किया जाने वाला नेटवर्क है। अब इसमें जो है आपके जैसे जैसे हमारे पास में अलग अलग कैटेगरीज हमने बात करी है, चाहे फिर वो LAN करी है, चाहे हमने यहाँ पे MAN करी है या फिर WAN करी है या PAN करी है या CAN करी है या SAN करी है, तो इन सभी के अंदर आपका जो है स्ट्रक्चर है ना, जो हम जो केबल स्ट्रक्चरिंग केबल करते हैं तो केबल की जो स्ट्रक्चरिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होती है। इट्स नॉट दैट कि सभी जगह पे एक जैसी होगी। लैन के अंदर आपके रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट होंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। अगर मैन की बात करें तो बिकॉज इट इज अ वाइडर नेटवर्क कंपेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क, सो बड़े लेवल पे होता है, काफी किलोमीटर्स में आपका जो है ये स्प्रेड होता है, तो इसका जो बैकबोन जो नेटवर्किंग का जो केबलिंग स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। इफ आई टॉक अबाउट दी मैन वैन के अंदर अलग से आपके पास में नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में हमारे पैन की बात करें तो पैन के अंदर कोई केबल होती नहीं है। पैन के अंदर हम अगर केबल यूज भी करते हैं तो बहुत ही छोटी सी यूएसबी केबल का इस्तेमाल करते हैं, राइट? लेकिन इतना कोई बड़ा नेटवर्क हम नहीं इंप्लीमेंट करते। पैन के अंदर जनरली हम लोग वायरलेस का नेटवर्क इंप्लीमेंट करते हैं, वहां पे आपके जो आरएफ का हो सकता है वहां पे आपके इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम कैन की बात करें, अगेन कैन का जो स्ट्रक्चरिंग केबल है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दी अदर नेटवर्क्स। वहीं पे अगर हम सैन की बात करें तो आपको डेटा सेंटर्स की जो केबलिंग पार्ट है वो डेफिनेटली हम लोग आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो इसका जो नेटवर्किंग का जो स्ट्रक्चरिंग केबल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आपको इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए हैं तो आप पूरे वीडियोस को देखेंगे तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर पूरा 101% नॉलेज हो जाएगा अबाउट दी नेटवर्किंग। सो इसी तरह से आप जो है कंटिन्यू देख के अपना नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं और आगे अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको जो है ये पूरा वीडियो पसंद आया है, अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोस ऑन मल्टीपल कोर्सेज ऑन टू प्रोवाइड यू अ बेटर नॉलेज, राइट? सो दैट यू कैन एनहेंस योर सेल्फ। सो गाइज, आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को स्टार्ट करो तो पूरा थोड़ा सा लंबा जरूर देखना सो दैट कि मुझे जो है YouTube की तरफ से एक अच्छा ड्यूरेशन जो है एवरेज जो व्यू है वो ज्यादा मिल जाए। जितना ज्यादा मिलेगा मेरा चैनल उतना ज्यादा स्प्रेड होगा और जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना मैं आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियोस जो है नए से नए कोर्सेज इसमें ऐड करते चले जाऊंगा। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।